हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 10s में आप किसी भी फाइल को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी भी फोटो वीडियोस और ऑडियोस को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ से पुल डाउन करना है ऐसे, और आपका जो हिडन सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्राइवेसी पासवर्ड चेक कर लेना है, अगर आपने नहीं किया तो मैंने पहले से किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन ओपन हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है ऊपर, और ऐड फाइल्स पर क्लिक कर देना है, और इंटरनल स्टोरेज जो भी है शेयर, मतलब आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपनी इंटरनल स्टोरेज, जहाँ से भी आप फाइल्स को या फिर फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं। आप चाहें तो फोल्डर को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, फोल्डर हाइड हो जाएगा। ऐसे आप फोल्डर में से किसी भी फाइल को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, चाहे वो सॉन्ग हो चाहे वो फोटो वीडियो हो। आपको सिंपली फोल्डर पर क्लिक कर देना है, और जो भी यहाँ पर फाइल्स होंगी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी, ओके पर क्लिक कर देना है, और वो हाइड हो जाएगी। और हाइड होकर वहीं जहाँ पर मैंने पुल डाउन करके दिखाया था वहाँ उस सेक्शन में चले जाएंगी। वहाँ पर आप जाकर उसे चाहे तो अनहाइड भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर सभी फाइल्स होंगी जो भी आपने हाइड की होंगी, और आप लॉन्ग प्रेस करके और उसे अनहाइड भी कर सकते हैं।